बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्टू। इसके लिए हमें बीफ का गोश्त चाहिए, आधा किलो हमने गोश्त लिया है। और ये कुछ मसाले हैं जिनमें प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ की, एक पूरी पोथी लहसुन की है, 4 से 5 साबुत मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, साबुत धनिया, सूखा धनिया है मोटा मोटा कूटा हुआ, हाफ टी स्पून हल्दी और हसबे जायका नमक लेंगे। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ टी स्पून नमक, ये इसमें जाएगी प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, एक पूरी पोथी लहसुन की है, 4 से 5 साबुत मिर्चें, हाफ टी स्पून ज़ीरा और ये पूरा गरम मसाला है, साबुत धनिया कुटा हुआ और हल्दी। अब हमने इसको मिक्स किया। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। गोश्त गलने के करीब होगा, फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और लंबी कटी हुई अदरक डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, ये 1/2 कप ऑयल है। इसके बाद जाएंगे इसमें टमाटर, भूनेंगे कि इसके टमाटर गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और घुल जाए, इसके अंदर नज़र ना आए, इसको इतना भूनेंगे। तो हम इसमें अदरक डालेंगे, ये जुलियन कटी हुई अदरक है, हरी मिर्च डालेंगे इसमें, इसको मज़ीद 2-4 मिनट भूनेंगे। सालन हमारा स्टू तैयार है। अब हम इसमें धनिया से गार्निश करेंगे इसको, और ये खाने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़ेदार सा स्टू तैयार है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। मज़ेदार सा स्टू तैयार है, आप इसे घर पे ट्राई करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।